हेलो एवरीबॉडी, आई एम सोना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 फैशन स्टडीज़ का, जो कि है हिस्ट्री ऑफ फैशन। और लास्ट वीडियो में मैंने सेकंड पार्ट इसका कवर कर दिया था, टॉपिक 2। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 3, जो कि है वॉर कॉस्ट्यूम्स एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, थर्ड टॉपिक पे अब हम पहुँच चुके हैं। टोटल मिला के हमारे 7 टॉपिक्स हैं, तो आइए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। तो थर्ड टॉपिक है वॉर कॉस्ट्यूम्स एंड यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म से हम लोग क्या समझते हैं? ठीक है, यूनिफॉर्म इज़ द स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, जो कि कहाँ पहना जाता है। ये सेट ऑफ क्लोथ्स कहाँ पहना जाता है? किसी भी वर्क प्लेस पे, ठीक है, किसी भी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहना जाता है, कोई ग्रुप पहनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल जाते हो, तो स्कूल में आप क्या पहनते हो? यूनिफॉर्म पहनते हो। यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सब इसको पहन के सब इक्वल होते हैं। अगर आप लोग बात करो स्कूल में, तो स्कूल में अगर कैजुअल क्लोथिंग अलाउ कर दिया तो ये पता चल जाएगा ना कि कौन अमीर है कौन गरीब है। बट यूनिफॉर्म इज़ वॉट? यूनिफॉर्म इज़ अ इट्स अ काइंड ऑफ कि आपको बिल्कुल प्रॉपर इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू योर क्लोथिंग, थ्रू द सेट ऑफ स्पेसिफिक क्लोथिंग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉर कॉस्ट्यूम्स के। ठीक है, वॉर कॉस्ट्यूम्स में 3.1 टॉपिक में आपका आता है आर्मर। ठीक है, आर्मर क्या होता है? सुना सुना सा वर्ड लग रहा है। आर्मर होता है वो क्लोथ्स, ठीक है, जो कि वॉर के टाइम पे सोल्जर्स पहनते हैं। क्लोथ्स जो कि मेटल से बने होते हैं, ठीक है, देखा होगा किसी मूवी में या फिर किसी भी वीडियो में, कि जैसे कोई भी मुगल वगैरह की वीडियोस होती थी, जोधा अकबर वगैरह में, आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल एकदम कहते हैं ना मेटल की पूरा पहन लेना, बख्तर वगैरह, जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। ये जो पूरा आर्मर सेट होता है, मतलब ये जो पूरा मेडल सेट है जो कि बॉडी पे पहनते हैं सोल्जर्स, इसे हम क्या कहते हैं? आर्मर कहते हैं। ये क्या सिंबलाइज करता है? ये स्ट्रेंथ और पावर को सिंबलाइज करता है। जब कोई भी सोल्जर वॉर पे जाता है तो इसे पहनता है, तो उसको दो चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जगह जगह इसमें आपको स्पेस दी जाती है, फ्लेक्सिबल होता है जो भी हमारा सोल्जर होता है, कि वो फाइट कर सके और हॉर्स राइडिंग कर सके, ठीक है, रन कर सके, ट्विस्ट कर सके। दूसरी चीज़ ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सामने वाला कोई भी चीज़ आपको मार रहा है, ठीक है, कोई तलवार मार रहा है, कोई सींक मार रहा है, ठीक है, तो आपको क्या होगा? प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि ये पूरी क्लोथिंग जो है, ये पूरा सेट है किस चीज़ का बना है? मेटल का बना है। अब बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आप आर्मर को कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उसका, ठीक है, बहुत टाइप्स के आर्मर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका स्केल आर्मर। ठीक है, स्केल आर्मर क्या होता है? स्केल आर्मर जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि छोटे छोटे मेटल पीसेज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारे जो मेटल पीसेज हैं वो किससे लेस्ड हैं? उसके अंदर लेदर का फाउंडेशन है, ठीक है, जिस पे ये क्या बने हैं? मेटल पीसेज लगे हुए हैं। किसके ऊपर लगे हुए हैं? लेदर के ऊपर। और इसकी प्रॉब्लम है, इस आर्मर की क्या प्रॉब्लम थी? इस आर्मर की ये प्रॉब्लम थी कि बहुत इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि देखो छोटे छोटे मेटल पीस लगे हुए हैं, सारे जड़े हुए हैं कि इसमें लेदर में जड़े हुए हैं, सो बहुत इनफ्लेक्सिबल है और थोड़ा स्टिफ है ये आर्मर। तो स्केल आर्मर की ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आते हैं लेमिलर आर्मर पे। लेमिलर आर्मर पे जैसे आप लोग देख रहे हो, इसमें स्मॉल नैरो ओवरलैपिंग पीसेज हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है, ये सारे लेस कैसे रखे हैं? लेस जो रखे हैं मेटल लेसेस से, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इसमें क्लोथिंग यूज़ नहीं हुई है, इसके अंदर कोई लेदर नहीं लगा है। आप कोई भी अपना अंदर क्लोथ पहनते हो उसके ऊपर ही आप पहन सकते हो। ओके, देन थर्ड आपका मेल आर्मर। मेल आर्मर क्या है? मेल आर्मर है आपकी आयरन एंड स्टील रिंग्स, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, बिल्कुल चेन का ये बना हुआ है पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जंजीरें होती हैं, राइट, एक बहुत ही छोटी 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 जंजीरों को अगर आप इंटरलॉक कर दो तो आपका मेल आर्मर देखने को मिलेगा। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत हैवी होता है। तो जैसे अगर मैं आर्मर्स के आप लोगों को टाइप्स पढ़ा रही हूँ, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेल आर्मर आता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो है प्लेट आर्मर। प्लेट आर्मर क्या होता है? प्लेट आर्मर होता है लार्ज मेटल प्लेट्स, ठीक है, इसमें जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, कहीं भी कटिंग वटिंग आपको नहीं दिख रही, बहुत लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, जिसको कि इनसाइड किसके ऊपर किया जाता है? इसको फर्निश किया जाता है लेदर के ऊपर किया जाता है। लेदर्स अंदर से इसको मूवमेंट देती है बॉडी को, और मेटल क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब पहला इंपॉर्टेंट हो गया चेन आर्मर, सेकेंड प्लेट आर्मर, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्मर है
केस में वो है मेल एंड प्लेट आर्मर. मेल एंड प्लेट आर्मर जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये क्या है, ये सबसे बोथ ऑफ द टाइप्स में सबसे बेस्ट है. दिस आर्मर गिव्स प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोथ. क्यों, कैसे? क्योंकि प्रोटेक्शन तो देखो क्या दे रहा है, प्लेट्स जो है, जो आपकी मेटल प्लेट्स हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, और चेन क्या दे रही है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है. सो दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट काइंड ऑफ आर्मर. आगे चलते हैं, आगे आता है आपका लेदर एंड फैब्रिक आर्मर. लेदर एंड फैब्रिक आर्मर क्या होते हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल आप साइड में इमेज देख पा रहे हो, ये थोड़ा इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन देता है ये आर्मर. क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी मेटल नहीं लगा हुआ है, ये पूरा किस पे बना हुआ है, लेदर और फैब्रिक से बना हुआ है. मेनली जो भी वुमेंस होती थी जो वॉर पर जाती थी वो इसको प्रेफर करती थी पहनना, ठीक है. इसमें मल्टी लेयर्ड लेदर लगी होती है, फैब्रिक क्विल्टेड होता है अंदर, ठीक है, ये थिक होता है और ऑर्डिनरी सोल्जर्स के थ्रू ये पहना जाता है. एंड द लास्ट आर्मर इज़ योर ब्रिगेंडाइन आर्मर, ठीक है. ब्रिगेंडाइन आर्मर क्या होते हैं, ब्रिगेंडाइन आर्मर होते हैं जिसमें कि स्मॉल मेटल प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है, और वो स्मॉल मेटल प्लेट्स किससे फिक्स्ड होती हैं, इनर लाइनिंग ऑफ गारमेंट से फिक्स्ड होती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आर्मर्स. अब आर्मर्स होते हैं जो आप अपनी बॉडी पे पहनते हो, साथ में आर्मर एक्सेसरीज भी तो होती हैं. फर्स्ट इज़ योर हेलमेट, ठीक है, हेलमेट जैसे इमेज में दिख रहा है हेलमेट है हमारा. सेकंड इज़ लेग आर्मर, ठीक है. एक और टाइप का वो होता है आर्मर एक्सेसरी होती है जो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, वो होती है हैंड के आर्म आर्मर्स, ठीक है. आर्म्स में भी तो पहनते हैं, वो आर्म आर्मर्स होते हैं. तो ये हो गया आपका 3.1 टॉपिक, ठीक है. अब आगे चलते हैं 3.2 टॉपिक पे. थर्ड आपका जो टॉपिक है उसके अंदर चार सब टॉपिक्स हैं, 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4. 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया है, अब 3.2 पे चलते हैं. एंशियंट वॉर कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, एंशियंट वॉर कॉस्ट्यूम्स. अब हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ ली कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट आर्मर्स बिल्ट होते थे. अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है कि अलग अलग जगह पे, मतलब जैसे मैंने ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम्स पढ़ाए थे लास्ट टॉपिक में, कि अलग अलग जगह पे कैसे कैसे लोग कैसे ड्रेप करते थे अलग अलग टाइप के क्लोथिंग्स. अब इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कैसे ड्रेप करते हैं, मतलब कैसे पहनते हैं अपने टाइप के आर्मर्स. ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सुमेरियन वॉर कॉस्ट्यूम, ठीक है. सुमेरियन वॉर कॉस्ट्यूम क्या होती थी, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, थोड़े से आदि मानव काइंड ऑफ लोग हैं ये, ठीक है. ये एक लॉन्ग स्कर्ट पहनते थे, उसके ऊपर क्या पहनते थे, एक वाइड बैंड ऑफ नेल्ड लेदर. अब आप देख रहे हो लेदर की एक पूरी इन्होंने क्या पहन रखा है, एक शॉल काइंड ऑफ ड्रेप की, केप काइंड ऑफ इन्होंने ड्रेप कर रखा है पीछे से, ठीक है. ये जो इनकी केप होती थी पीछे, जो इन्होंने सुपरमैन टाइप से लटका रखा है पीछे, ठीक है, इस पे क्या होते थे, नेल्ड होता था, ये मेटल स्टड्स जड़े होते थे, पीछे से कोई मारेगा तो उसके हाथ में लग जाएगी, ठीक है. तो सुमेरियन वॉर कॉस्ट्यूम कुछ पिछड़े ज़माने का ऐसा सा वॉर कॉस्ट्यूम होता था. अब आ जाते हैं इजिप्टियन वॉर कॉस्ट्यूम पे. इजिप्टियन ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम्स मैंने जब आपको पढ़ाए थे तब मैंने उसमें पढ़ाया था कि वो लोग क्या पहनते हैं, शेंटी पहनते हैं. शेंटी क्या है, एक लिनन स्ट्रिप है क्लोथ का जो कि अपने हिप्स के अराउंड वो ड्रेप कर लेते थे. अब इजिप्टियन वॉर कॉस्ट्यूम में वो लोग क्या करते हैं, सोल्जर शेंटी पहनते हैं वाइट कलर की, और उसके ऊपर लेदर का एक एप्रन पहन लेते हैं. हर चीज़ की इमेज आप लोगों को साइड में दिख ही रही होगी कि नीचे उन्होंने शेंटी पहनी है, ऊपर उन्होंने एक ब्राउन कलर का लेदर का एप्रन पहन रखा है. देन आते हैं ग्रीक वॉर कॉस्ट्यूम्स पे, ठीक है. ग्रीक वॉर कॉस्ट्यूम्स क्या करते थे, वो एक वुलन क्लोक को ड्रेप करते थे. क्लोक मतलब जो उनको पीछे दिख रहा है, इसने भी सुपरमैन टाइप पीछे से लटका रखा है, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर क्लैम्प्स, ठीक है. इस क्लोक को हम क्या कहते हैं, क्लैम्प्स कहते हैं. और ये जो इन्होंने चेस्ट पे आर्मर पहना हुआ है लेदर का, राइट, इसमें कोई लेदर आर्मर है ये दिख रहा है, इसमें कोई मेटल प्लेट नहीं है. सो इसे हम क्या कहते हैं, क्रेज कहते हैं. सो ग्रीक वॉर कॉस्ट्यूम में दो चीज़ें मेन थी, क्लैम्प्स एंड क्रेज. क्लैम्प्स वॉज द वुलन क्लॉक एंड क्रेज वॉज द चेस्ट आर्मर. सो अब चलते हैं रोमन वॉर कॉस्ट्यूम्स की तरफ, ठीक है. रोमन वॉर कॉस्ट्यूम्स क्या पहनते थे, वो ट्यूनिक पहनते थे. ट्यूनिक दिख रही है, इन्होंने फ्रॉक काइंड ऑफ पहना हुआ है रेड कलर का, ठीक है. ट्यूनिक पहनते थे, साथ में उसके ऊपर ही वो चेस्ट आर्मर पहनते थे, दिख रहा है हमें सिल्वर कलर का. रेड फ्रॉक के ऊपर सिल्वर कलर का इन्होंने आर्मर पहन रखा है. आर्मर में क्या खासियत है, आर्मर में ये खासियत है कि जो इसके मेटल के प्लेट्स हैं
वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से ओवरलैप कर रहे हैं, चेस्ट से, शोल्डर से, वेस्ट से, हर जगह से मेटल प्लेट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि सामने वाला अगर कुछ भी मारेगा तो वो आपके स्किन में टच भी नहीं होगा, उन्हीं मेटल प्लेट्स से होते हुए गुजर जाएगा। सो रोमन वॉर कॉस्ट्यूम्स भी हो गया। सो हमने जो वॉर कॉस्ट्यूम्स पढ़ी हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, रोमन वॉर कॉस्ट्यूम, ग्रीक वॉर कॉस्ट्यूम, इजिप्टियन वॉर कॉस्ट्यूम एंड सुमेरियन वॉर कॉस्ट्यूम्स। सो टॉपिक 3.1 था आपका आर्मर्स और टेक्निक्स, जिससे कि हम टाइप्स ऑफ आर्मर्स बना सकते हैं। 3.2 था आपका डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब डिफरेंट जगह पे आप लोग कैसे कैसे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे कैसे आर्मर्स पहने जाते थे, एंशंट वॉर कॉस्ट्यूम्स। अब देखो यहाँ तक तो 3.2 टॉपिक था, अब 3.3 आता है, दैट इज़ ओरिएंटल विच इज़ ईस्टर्न, ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न या फिर एशियन, ठीक है, एंड इंडियन वॉर कॉस्ट्यूम्स। अब चैप्टर में कहीं भी देखा होगा इंडिया का सबसे बड़ा टॉपिक होता है, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स बताए थे, तो इंडियन में ड्रेव्ड मैंने बताया था, अंतरिया उतरिया टाइप्स, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे रोमन इजिप्टियन आए थे, ऐसी इसमें हैं। इसमें बस ओरिएंटल में सिर्फ जापानीज वॉर कॉस्ट्यूम दे रखा है, बाकी सारा हमारे इंडिया का दे रखा है। तो जापानीज वॉर कॉस्ट्यूम पहले देख लेते हैं। जापानीज़ वॉर कॉस्ट्यूम में क्या होता था, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल प्लेट्स होती थी, ठीक है, और वो सारी लेस्ड होती थी एक दूसरे से, कलर सिल्क से, ठीक है। हेलमेट होता था, ब्रेस्ट प्लेट होती थी, बेल्ट होती थी, डिटैचेबल शोल्डर प्लेट्स होती थी। मतलब इमेजिन कर सकते हो, एक पूरा समुराइन की अगर हम लोग देखते ना, इमेजिन करते हैं एक निंजा को, एक समुराई को, तो दैट इज़ वॉर, दैट इज़ जापानीज़ वॉर कॉस्ट्यूम। देन आते हैं इंडियन वॉर कॉस्ट्यूम पे, ठीक है। इंडियन वॉर कॉस्ट्यूम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का था, यू नो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, पहले से ही बहुत डाइवर्स कंट्री थी, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों, राजा महाराजाओं के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे वॉर कॉस्ट्यूम हुआ करते थे। तो हम इसमें टाइम लाइन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। वैदिक पीरियड की बात करी जाए, वैदिक पीरियड में जो हमारे सोल्जर्स थे वो कैसा पहनते थे वॉर कॉस्ट्यूम, उनका जो सोल्जर्स था वो आर्मर जो उनका कहलाता था, उनका आर्मर था वर्मन, ठीक है, वर्मन आर्मर कहलाता था उनका। किसके साथ पहनते थे वो, एक लेयर्ड हेड गियर के साथ, जैसे इमेज में देख सकते हो, ये जो सिक्के सिक्के वाला आपका शेरवानी दिख रही है, इसे हम वर्मन कहते हैं, ठीक है। ये इनकी क्या थी, ये आर्मर थी इनकी, ये वॉर में ये शेरवानी पहन के जाते थे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि साथ में ऊपर से इन्होंने जादूगर वाली टोपी है, दैट इज़ योर हेड गियर, ठीक है, ये मेटल की बनी होती थी। तो वैदिक पीरियड में जो इनका आर्मर होता था वो कुछ इस तरीके का होता था। देन कुषाण पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। कुषाण पीरियड में कैसे पहनते थे, कुषाण पीरियड में जो लोग होते थे वो एक लॉन्ग स्लीव ट्यूनिक पहनते थे, लॉन्ग स्लीव की वो एक फ्रॉक पहनते थे, ठीक है, जिसे किसके ऊपर पहनते थे, अंतरिया के ऊपर, अंतरिया वॉज योर लोअर गारमेंट, ठीक है। तो लोअर गारमेंट पहन लिया जी, उसके ऊपर हमने एक लॉन्ग स्लीव ट्यूनिक पहन ली, उसके ऊपर क्या पहन ली, मौली पहन ली। मौली क्या थी, टर्बन। अब तुम लोग कहोगे टर्बन तो, टर्बन तो मैंने तुम लोगों को उषनिशा पढ़ाया था, बट देखो टाइम लाइन चेंज हो गई, ठीक है, टाइम लाइन चेंज हो गई। कुषाण पीरियड में जो टर्बन होती थी, जो पगड़ी होती थी, उसे हम क्या कहते थे, मौली कहते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग देखते होगे ना गुजरात साइड में, थोड़ी ट्विस्ट ट्विस्ट करके कपड़े को वो लोग पगड़ी बना लेते हैं, दैट वॉज कॉल्ड मौली। कुषाण पीरियड में जो मेनली था, जो भी वो लोग आर्मर पहनते थे वो स्केल या फिर मेल आर्मर ही पहनते थे। स्केल मतलब वही छोटे छोटे पीसेस ऑफ मेटल्स लेस्ड होते थे, और मेल आर्मर कौन सा था, मेल आर्मर था आपका चेन वाला, ठीक है, जंजीर काइंड ऑफ जो आर्मर होता है। तो कुषाण पीरियड का कुछ ऐसा लुक था। देन आते हैं हमारे गुप्ता जी के पीरियड में, ठीक है। गुप्ता पीरियड में सोल्जर्स क्या पहनते थे, अंतरिया पहनते थे। देखो बिना अंतरिया पहने जा तो सकते नहीं थे, है ना, अंतरिया वॉज द लोअर गारमेंट, तो अंतरिया पहनते थे सबसे पहले। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव चेस्ट पीस पहनते थे, ठीक है, चेस्ट पीस पहनते थे, ठीक है। उसके बाद अ नी लेंथ ट्यूनिक, ठीक है। ऊपर क्या पहनते थे, देखो पहले हम लोग क्या पहनते हैं, अंतरिया पहनते हैं, उसके ऊपर वो ट्यूनिक पहनते थे। ट्यूनिक किसे कहते थे, कंचुका को कहते थे, मतलब हिंदी में बोला जाए तो कंचुक, और इंग्लिश में लिखा होता है कंचुका, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में भी कुषाण पीरियड की तरह पहले अंतरिया पहनते हैं, उसके ऊपर एक लॉन्ग स्लीव ट्यूनिक पहन लेते हैं, ठीक है। ट्यूनिक का नाम क्या है, कंचुका, ठीक है। और उसके ऊपर क्या पहनते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए हम एक और ब्रेस्ट प्लेट पहन लेते हैं। ब्रेस्ट प्लेट वॉज वॉट,
इट वॉज एन आर्मर कॉल्ड उरस तरना। तो गुप्ता पीरियड में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ट्यूनिक जिसे कंचुका कहते हैं, और एक ब्रेस्ट प्लेट। ब्रेस्ट प्लेट मतलब जो अपर आर्मर होता है, ठीक है, उसे क्या कहते थे वो लोग, उरस तरना। ठीक है, गुप्ता पीरियड भी हो गया। आगे चलते हैं राजपूत पीरियड में। हम राजपूत हैं, ठीक है, हम मतलब मैं नहीं हूँ, बट एक डायलॉग काइंड ऑफ बोला मैंने, ठीक है। तो राजपूत पीरियड में क्या होता था, राजपूत पीरियड में जैसे तुम लोग देख रहे हो इतना हैवी आर्मर ये लोग पहनते थे, जिएंगे जिएंगे वरना मरेंगे वाली सिचुएशन है इनकी तो, ठीक है। तो सोल्जर्स और किंग जो मेनली पहनते थे वो क्या पहनते थे, मेल आर्मर, ठीक है, मेल आर्मर, वही जंजीर वाला आर्मर मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, हर कोई वही पहन रहा था इनमें से, ठीक है। अ स्पेशल आर्मर कॉल्ड चिल्ता हज़ार माशा, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। चिल्ता हज़ार माशा क्या था, चिल्ता हज़ार माशा का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कोट ऑफ थाउजेंड नेल्स, ठीक है, कोट ऑफ थाउजेंड नेल्स। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा आर्मर था उसमें छोटे 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 नेल्स लगे होते थे, ठीक है, नेल्स इन द सेंस कि बहुत छोटे छोटे स्टड्स लगे होते थे, मतलब टिकोने काइंड ऑफ, जैसे हमारी सुई होती है, ठीक है, सुई को अगर तुम लोग ट्राइंगल शेप में दे दोगे तो क्या बन जाएंगे, आपके स्टड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट चिल्ता हज़ार माशा में थाउजेंड, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टड्स लगे होते थे, कोई भी हल्का सा छू देगा खून निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आर्मर ये पहनते थे, बड़े ख़तरनाक लोग थे भाई। देन आते हैं अपने मुग़ल पीरियड पे, ठीक है, मुग़ल पीरियड पे आ जाते हैं। हमने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा बख्तर, ठीक है। तो सोल्जर्स क्या पहनते थे, मेल शर्ट पहनते थे, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो कि इन्होंने क्या पहना है, ऊपर आर्मर पहना है बट अंदर क्या पहना है, जंजीर काइंड ऑफ पहना है। तो जो मेल शर्ट होती थी उसे हम क्या कहते हैं, बख्तर कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो तुम लोग आर्मर देख रहे हो, चेस्ट आर्मर देख रहे हो, उसे क्या कहते हैं, कवच, ठीक है। और पैरों में क्या पहनते थे, जूती पहनते थे। वैसे ताज्जुब की बात है, तुम लोगों की बुक में मुग़ल पीरियड में ही सिर्फ फुटवेयर दे रखा है, मतलब बाकी सारे तो नंगे पैर जाते होंगे ना लड़ने, अजीब है। सो मुग़ल पीरियड में क्या था, एक मेल शर्ट होती थी बख्तर, सेकंड चेस्ट आर्मर होता था कवच, और पैरों में पहनते थे जूती। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है आपका इंडो पर्शियन पीरियड। ओके, इंडो पर्शियन पीरियड में सोल्जर्स क्या पहनते थे, एक चेस्ट आर्मर होता था जिसका नाम है चार आईना, ठीक है। चार आईना मतलब फोर मिरर, सिंपल लॉजिक, ठीक है, चार आईना। इसे चार आईना क्यों बोलते थे, क्योंकि ये जो आर्मर था आपका, ये क्या करता था, ये चारों तरफ से कवर्ड रखता था आपके चेस्ट को, ठीक है, एक फ्रंट में, एक साइड में, एक बैक में और एक दूसरी साइड में, ठीक है। तो इसको ड्रेप करते थे, जैसे कि आप लोगों के इमेज में दिख रहा होगा, ये चार अलग अलग पार्ट रखे हैं और हैंड सेट रखे हुए हैं, ठीक है, और अगर पहन लिया तो ऐसा लुक आता है इसका। सो इंडो पर्शियन पीरियड में जो मेन था वो था आपका चार आईना, दैट वॉज चेस्ट आर्मर। अब कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं चार आईना और चिल्ता हज़ार माशा में, तो चिल्ता हज़ार माशा वॉज इन राजपूत पीरियड एंड चार आईना वॉज इन इंडो पर्शियन पीरियड। सो इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था जो आर्मर एसेसरीज थी, मैंने बता दिया था पहले कि एक तो आपका आर्मर हो जाता है, एक हेलमेट हो जाता है, एंड थर्ड इज़ योर लेग आर्मर। तो तीन टाइप के आपके आर्मर एसेसरीज होते हैं, आपकी बुक में अलग अलग जगह से बता रखा है। इसी के साथ आपका 3.3 टॉपिक ख़त्म होता है, 3.1 भी कंप्लीट हो गया आर्मर, 3.2 भी कंप्लीट हो गया, अब 3.3 भी कंप्लीट हो गया, अब आता है आपका 3.4। अब जो आपका 3.4 टॉपिक है उसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड वॉर्स ऑन सिविलियन क्लोथिंग, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर होते थे, ठीक है, अभी हमने राजा महाराजा का टाइम पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर पर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर जितना भी हुआ, ठीक है, उसका जो सिविलियन थे, जो आम आदमी थे, उनकी क्लोथिंग पे क्या असर हुआ, उससे क्या पता चला है हमें, उससे ये पता चला है जो कि द वर्ल्ड वॉर यूनिफॉर्म्स हैव इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी क्लोथिंग इन डिफरेंट वे। अब जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ तो जितने भी आर्मीज थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, सबकी यूनिफॉर्म थी, ठीक है, हर जगह आपको आर्मी ऑफिसर्स दिखेंगे, हर जगह आपको मिलिट्री प्रिंट्स दिखेंगे। तो क्या हुआ, हमारा जो पूरा टोटल फैशन का लुक था, पूरा रंग बिरंगा काइंड ऑफ, वो सारा फीका पड़ गया, और जो हमारी यूनिफॉर्म्स थी वर्ल्ड वॉर की, उसका फैशन पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा।
पहला आ जाता है आपका डिटेल्स ऑफ इंसिग्निया, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें ये इंक्लूड होता है जैसे स्टार्स हो गए शोल्डर्स पे, स्ट्रिप्स हो गई, ठीक है, स्ट्रिप प्रिंट्स आ गए, नेशनल एनलम्स के प्रिंट्स आ गए क्लोथ्स पे, और क्या आ गया, और ये आ गया कि कॉलर्स अटैच होने लग गए, ठीक है, एल्फलेट्स जो कि देखते हो आप साइड में जो अटैच हो जाता है कॉलर के ऊपर, ठीक है, स्लीव्स, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, हमारे डिटेल्स ऑफ इंसिग्निया में आ गई जो कि नॉर्मल क्लोथिंग पे इफ़ेक्ट कर रही थी, ठीक है। और अभी भी हम लोग देखते हैं कई सारे टी शर्ट्स पे, शर्ट्स पे हमारे जो भी नेशनल का, नेशन का हमारा वो होता है, फ्लैग होता है, उसका प्रिंट छपा होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेनली जिस पे स्टार्स लगे होते हैं या फिर कोई भी हमारी जो भी देश के जो भी हमारे वो होते हैं मिलिट्री प्रिंट्स होते हैं या फिर नेवी की जो भी यूनिफॉर्म होते हैं उसके जैसा लुक लेना, फॉर्मल लुक लेना, तो दैट इज़ व्हाट वो कब पड़ा था, असर पड़ा था जब वर्ल्ड वॉर हुई थी। सेकंड इज़ कलर, ठीक है। कलर क्या है, 90th सेंचुरी में तुम लोग सब लोग जानते हो कि जब हमारे देश पे ब्रिटिश राज था, ठीक है, तो 90th सेंचुरी में क्या हुआ था, खाकी जो फैब्रिक था, ठीक है, खाकी फैब्रिक बहुत ज़्यादा वो हुआ था, फेमस हुआ था, ठीक है। हर किसी के मन में देशभक्ति की भावना जागरी थी, महात्मा गांधी जी ने बोला कि सब लोग सारे कपड़े छोड़ दो, सब खाकी पहन के घूमेंगे, ठीक है। तो वो क्या था, हमारा एक काइंड ऑफ शो था कि हम शो कर रहे थे सबको कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है, वो बिना बोले एक काइंड ऑफ इंडिकेशन था कि हम एक देशभक्त हैं, ठीक है, और हमें खाकी पहन के घूम रहे हैं, मतलब हमें भी तुम लोग हमारी कंट्री में नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो खाकी क्या था, एक कॉटन ड्रिल्ड फैब्रिक था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था 19th सेंचुरी में। खाकी का जो वर्ड है वो किससे ओरिजिनेट हुआ था, वर्ड खाक से, खाक मतलब डस्ट, अर्थ, एशेस, ठीक है। तो जैसे हम लोग मूवी वगैरह में भी देखते हैं ना, हीरो बोलता है, धमकी देता है, तुझे तो मैं खाक में मिला दूंगा, खाक मतलब तुझे मैं धरती में मिला दूंगा, ठीक है, डस्ट में मिला दूंगा, तेरे खाक बना दूंगा, जला दूंगा, दैट इज़ वॉट खाक वर्ड किस, मतलब खाकी वर्ड किससे आया है, हमारा खाक से, दैट मीन्स डस्ट, अर्थ या फिर एशेस। ओके, सो वॉट इज थर्ड इज हमारा प्रिंट्स, ठीक है। थर्ड आता है आपका प्रिंट्स। प्रिंट्स क्या पॉपुलर हुए हमारे वर्ल्ड वॉर के बाद, कॉमोफ्लेक प्रिंट। कॉमोफ्लेक प्रिंट क्या होता है, जो मिलिट्री प्रिंट्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इमेज नीचे मैंने दिखाई है, ठीक है, फर्स्ट इमेज में आप लोगों को ये सारे ऑफलेट्स दिख रहे हैं, इनके शोल्डर पे वो हैं स्टार्स हैं, सेकेंड और क्या है मेडल्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंट्स हैं इनके पूरे उस पर क्लोथिंग पे। सेकेंड आता है आपका खाकी, ठीक है, खाकी में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, इन्होंने पूरे खाकी क्लोथ्स पहने हुए हैं। थर्ड आता है कॉमोफ्लेक प्रिंट, जैसे कि आप लोग ये मिलिट्री का प्रिंट देख रहे हो इन्होंने जो पहना हुआ है। तो मिलिट्री प्रिंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुए थे उस वक्त, क्यों पॉपुलराइज हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ही ख़त्म हुई थी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, इस पूरी दुनिया में जितनी भी मिलिट्रीज होती हैं सबके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमोफ्लेक प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा आपने नहीं देखा होगा जिसके मिलिट्री का ऐसा प्रिंट ना हो, चाहे उसमें कलर्स में थोड़े डिफरेंस आ जाएँ बट ये ही प्रिंट रहता है। तो ये इसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन भी कह सकते हो ग्लोबली फैशन पे बहुत पड़ा था। इसी के साथ आपका 3.4 टॉपिक ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा पूरा थर्ड टॉपिक कवर हो जाता है। होप आप लोगों को 3.1 जो कि आर्मर एंड टेक्निक्स ऑफ आर्मर, ठीक है, 3.2 जो कि था आपका टाइप्स ऑफ एंशिएंट वॉर कॉस्ट्यूम, 3.3 आपका ओरिएंटल एंड इंडियन वॉर कॉस्ट्यूम, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइम लाइन पर आप लोगों को बताया कि किस किस के पीरियड में, किस किस के राज में कैसे कैसे आपके आर्मर्स होते थे, एंड द फोर्थ वन इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन सिविलियन क्लोथिंग समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन हैव फन, ठीक है, स्टे ट्यून्ड, रोज़ मैं एक नई वीडियो डालूंगी और बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक का बटन दो, दबाई दो, ठीक है, चलो बाय बाय।